पूछा शुभम TI20 ने, भाई आपकी कोई क्रश थी? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि पूछा है अमन यादव ने कि भाई आपका वॉच टाइम कितना हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा टेक्नो शांत्रु ने, आप कितने रुपीस का हेयर कट कराते हो? अगर थोड़ा सा क्यूएनए लंबा भी हो जाता है ना, तो अगर आप इसको पूरा देखोगे आप बोर नहीं होगे, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाली है, आपको नॉलेज भी मिलेगा और साथ ही साथ फन भी होने वाला है इस क्यूएनए के अंदर। तो यार वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, और यार बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे तो सारे क्वेश्चन को लेना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बट जितने मजेदार और फनी वाली क्वेश्चन थे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया इस वीडियो के अंदर, जिसको मैंने कहीं भी कभी भी आंसर नहीं किया है। तो अरे इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर रह जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टेक रिलेटेड कॉन्टेंट और यूट्यूब रिलेटेड कॉन्टेंट मिलता रहता है। तो यार चलो Q&A को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है टेक्सल। यहाँ पे आप लोग प्रेडिक्ट करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि हर 15 मिनट के अंदर एक लकी ड्रॉ होता है। यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं, सिल्वर, गोल्डन और प्लैटिनम। आपको तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। हर एक लेवल के अंदर 0 से 9 के बीच में आपको कोई सा भी नंबर सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर कुछ पैसे लगाने। अब अगर वही नंबर जो आपने सिलेक्ट किया है वही लकी ड्रॉ के अंदर आ जाता है, तो जितने भी रुपये आपने लगाए होंगे उसका 9 गुना आपको अपने वॉलेट के अंदर मिल जाता है, जिसे आप पेटीएम UPI के थ्रू अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हो। तो यार बहुत ज्यादा कमाल की एप्लीकेशन है, 9 गुना पैसा मिलता है आपको। 100 रुपए लाओगे तो 90 रुपए मिलेगा, 100 रुपए लाओगे तो 900 रुपए मिलेगा। तो यार किस बात की देरी, फटाफट से जाओ डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो सबसे पहले कुछ कॉमन सवाल जो कि हर बंदे ने मुझसे पूछे हैं कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो देखो मेरा नाम है मयंक अग्रवाल, मेरी एज है 14 साल, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं कानपुर UP से बिलोंग करता हूँ। तो अब मूव करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चंस की तरफ। तो यार वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, और हाँ यार मैंने एंड में आपसे छोटा सा सजेशन भी मांगा है, प्लीज यार उसे भी बता के जाना मुझे, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यार उस सजेशन का मुझे जरूर से बताना आप सभी लोग। तो यार जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा है प्रत्यूष रंजन ने, #AskMayank विच ऐप डू यू यूज फॉर वीडियो एडिटिंग एंड सजेस्ट सम एप्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्स, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज। तो भाई मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। तो भाई ने मुझसे पूछा कि आप कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो, और मुझे आप कुछ ऐप या सॉफ्टवेयर का बताओ कि मैं किस ऐप से अपने यूट्यूब वीडियोज को एडिट कर सकता हूँ। तो देखो भाई मैं एडिट करता हूँ काइन मास्टर से। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ रिकमेंडेशन की, तो देखो मैं आपको काइन मास्टर रिकमेंड करूंगा सबसे पहले। अब 2 ऐप्स बहुत पॉपुलर है मोबाइल के अंदर, काइन मास्टर और पावर राइटर। अगर आप लैपटॉप PC से करते हो तो आप एडोब प्रीमियर प्रो या फिर फिल्मोरा को चूज कर सकते हो। अब एडोब के अंदर, प्रीमियर प्रो के अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सीखने के अंदर, तो आप फिल्मोरा को यूज कर सकते हो PC के अंदर। पूछा निखिल लाला ने कि भाई आप अपने वीडियो को कब शूट करते हो? तो देखो ऐसा कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि मैं इतने बजे ही वीडियो शूट करता हूँ, जब मेरा मन करता है तब मैं वीडियो को शूट कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं रात के 12 बजे के बाद अपनी वीडियो को शूट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझसे पूछा फैक्ट इनफाइनाइट में, #AskMayank अगर वीडियो डालने में डिले हो जाए तो उसे बूस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने भाई ने पूछा है कि अगर हम अपने किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपनी वीडियो को पब्लिक करते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, 2-4 घंटे लेट हो जाते हैं, तो हम उस वीडियो को बूस्ट कैसे ला सकते हैं क्योंकि व्यूज डाउन हो जाएंगे। तो देखो इसके लिए अगर आपके पास कम्युनिटी टैब है तो आप कम्युनिटी टैब के अंदर शेयर कर सकते हो, वहां से आपको अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा। अगर आपके पास कम्युनिटी टैब नहीं है तो आप उन लोगों के साथ अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हो जो आपकी वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड है, अपनी आपकी वीडियो को एंड तक देखेंगे, उससे थोड़ा बहुत आपका व्यूज बढ़ जाएगा एंड थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगी आपकी वीडियो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है मिस्टर टेकीफाई ने, #AskMayank भाई यार आपके टूथपेस्ट के अंदर नमक है क्या? तो यार अभी रुको मैं आप लोगों को बताता हूं कि टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है। तो यार ये पता करने के लिए मैं ले आया हूं अपना टूथपेस्ट और कोलगेट को, ठीक है? तो मैं कोलगेट यूज करता हूं, देखते हैं इसमें नमक है कि नहीं है। म्यूजिक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा अर्थ एंड पीयूष होने योर फेवरेट कॉमेडी एंड टेक यूट्यूबर, ये मैंने अपने पिछले Q&A के अंदर बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आई कार्ड में आपको लिंक मिल रही है, जाकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा रैंडम गिवर ने, GF है क्या? नहीं।
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्निकल ज्ञान विद ज्ञान ने पूछा है हैशटैग आसमैन सेटअप कब दिखाओगे। तो भाई हो, अगर आपने इस वीडियो के अंदर 100 लाइक कर दिए, अगर आपने इसी दिन कर दिए, आज ही कर दिए, तो यार नेक्स्ट दिन आ जाएगा। जिस दिन भी आपने 100 लाइक कर दिए, फटाफट से उसी के नेक्स्ट दिन में सेटअप टूल ले आऊंगा पूरा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। तो यार लाइक करके जाना वीडियो को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा शुभम TI20 ने, भाई आपकी कोई क्रश थी? नहीं। क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई आप YouTube पर क्या सोच के आए थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब मेरे घर में सबसे पहला स्मार्टफोन आया था, तब से यार मैं YouTube को देख रहा हूँ, सोशल मीडिया देख रहा हूँ। ठीक है, तो यार तब से मेरे मन में था कि हाँ भाई मुझे सोशल मीडिया पे कुछ करना है। और बेसिकली तब मैंने पैसे का इतना नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि भाई मेरे पास फेम होनी चाहिए, मैं घर से बाहर निकलूँ तो लोग मेरे साथ मिलने आए या मुझे मेरे साथ सेल्फी लें, ये चीज़ मेरा सपना था। और हाँ यार, बहुत सारे लोग YouTube पर पैसे के लिए आते हैं, बट एक समझ सकते हो यार, बच्चा हूँ मैं इसलिए, या फिर जो भी है कि मैंने ये सोचा था कि भाई फेम होनी चाहिए, पैसा थोड़ा बहुत नहीं है, मतलब पैसा भी मुझे चाहिए, बट पैसे अगर मतलब नहीं भी होगा तब भी फेम तो चाहिए भाई। ठीक है, तो ये सोच के मैं YouTube पे आया था, बट अब मुझे सब चाहिए। आप लोग का प्यारा सपोर्ट मिल भी रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी थैंक यू। क्वेश्चन में पूछा है अनंत हनवाते 0.102 ने, YouTube पर 1K सब्सक्राइबर होने के बाद पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। तो यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि YouTube पर सब्सक्राइबर के पैसे नहीं होते हैं, जो आपके वीडियो पर एड चलते हैं उसके पैसे होते हैं। अब आपने 1K सब्सक्राइबर कर लिए हैं तो उसके बाद आपको 4000 आवर्स का वॉच टाइम भी करना पड़ता है, जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है फिर आपकी वीडियो पर एड्स आती हैं, उन एड्स का आपको पैसा मिल जाता है। पूछा है अमर यादव ने, भाई आपका वॉच टाइम कितना हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो मेरा कितना वॉच टाइम हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, एंड आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो जनवरी के अंदर ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है Binorix10 ने, हैशटैग आसमैन इज एनीवन इन योर फैमिली अदर देन यू इज अ यूट्यूबर, यानी कि आपकी फैमिली के अंदर आपके अलावा कोई और भी यूट्यूबर है। तो भाई अभी तो कोई भी नहीं है, अब देखते हैं आने वाले फ्यूचर में कौन होता है। अभी मैं थोड़ा सा स्टैंड हो जाऊँ यूट्यूब पर, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एक सुरेश ने कि भाई थंबनेल किस ऐप से बनाते हो, तो यार मैं थंबनेल बनाता हूँ पिक्सल लैब से। और भाई कसम से कह रहा हूँ यार, मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स, इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं, भाई प्लीज़ हमें यार थंबनेल का ट्यूटोरियल दो। तो अगर आपने इस वीडियो के ऊपर 150 लाइक कर दिए तो भाई पक्का थंबनेल का ट्यूटोरियल आ जाएगा, तो यार फटाफट से लाइक कर देना। और जैसे 150 लाइक हो जाएंगे उसी के नेक्स्ट दिन मैं थंबनेल का ट्यूटोरियल लाऊंगा, तो फटाफट से लाइक कर दो यार। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे पर्सनली। स्मार्ट बडी YT ने मुझसे पूछा है, योर पेरेंट्स अलाउड फॉर इंस्टा, YouTube के लिए इंस्टा जरूरी है या नहीं है, और एक टाइम टेबल बना दो स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो भाई, मेरे पेरेंट्स ने अलाउ तो मतलब कर रखा है थोड़ा बहुत, और लीगली भी ये चीज़ है कि इंस्टाग्राम पर जिसकी एज 13 ईयर्स या उससे ऊपर होती है वो इंस्टाग्राम पर चला सकता है, इंस्टाग्राम पर उसकी ID आ सकती है। और नेक्स्ट चीज़ है कि YouTube के लिए इंस्टा जरूरी है या नहीं है, तो देखो भाई इतना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग का इंस्टा नहीं है, अगर आप एक यूट्यूबर हो, बस इसलिए होता है कि आपको थोड़ा ऑडियंस आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाती है, और साथ ही वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप्स मिलती रहती है। तो यही चीज़ होता है इंस्टा का, ज़्यादा कुछ खास यूज़ नहीं होता है, अपने दोस्तों के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो वहाँ पर, बस यही चीज़ है। और नेक्स्ट चीज़ है कि यार टाइम टेबल बता दो एक स्टूडेंट्स के लिए, अगर हम स्टूडेंट भी हैं यूट्यूबर भी हैं, तो इसके ऊपर मैं आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, कि यूट्यूबर और स्टूडेंट अगर आप दोनों हैं तो कैसे मैनेज कर सकते हो अपने चैनल को, तो मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना। टेक्नो शांत्रो ने, भाई कितने रुपीज़ का हेयर कट कराते हो। तो भाई मैं कराता हूँ 30 रुपये का हेयर कट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है टेक ओवरलोड ने, भाई आपकी यूट्यूब जर्नी में सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया। तो यार मेरे यूट्यूब जर्नी के अंदर सबसे ज्यादा मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, और सेकंड यार आप लोग ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहां तक कैसे आ पाता। और यार आगे भी आप लोग और भी अच्छे से सपोर्ट करना, और भी हमें इस चैनल को आगे लेकर जाना है। और इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आपकी 2021 में कितनी एज है। तो अभी मेरी करंटली 14 साल एज है, और 13 नवंबर 2021 को मैं 15 साल का हो जाऊंगा। और यार नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि यार फोन कौन सा है आपके पास। तो अभी जो वीडियो शूट हो रही है वो हो रही है वीवो V15 Pro से, एडिटिंग से लेकर अपलोडिंग तक सब मैं इस मोबाइल से करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा कि फर्स्ट पेमेंट आ गई है क्या, अगर आ गई है तो कितनी आई है,
और पेरेंट का क्या रिएक्शन था फर्स्ट पेमेंट के ऊपर। तो देखो भाई अभी तो मेरी फर्स्ट पेमेंट नहीं आई है और थोड़ा बहुत मैंने स्पॉन्सरशिप से कमाया है, फर्स्ट पेमेंट इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी चाहे मोनेटाइज नहीं हुआ, बट आप लोग का प्यार और सपोर्ट जिस आपसे मिल रहा है बहुत ही जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा, बहुत जल्दी पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे आप लोग के प्यार और सपोर्ट से। और बाकी रही बात पेरेंट रिएक्शन की, तो देखो स्पॉन्सरशिप से तो थोड़ा बहुत इतना अच्छा रिएक्शन रहता है, बाकी क्या बोलते जब भी फर्स्ट पेमेंट आएगी तो उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, पेरेंट्स का भी रिएक्शन शो करूंगा आपको फर्स्ट पेमेंट का, तो ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। वो पूछा टेक्स सिब्बा ने हैशटैग आज मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था और अब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है। तो देखो भाई जब मैंने यूट्यूब को शुरू किया था तब कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं था क्योंकि मैंने ऐसे ही बस मस्ती में खोल लिया था, मतलब उस समय मैंने इतना डेडिकेशन के साथ नहीं खोला था कि हाँ भाई मैं यूट्यूब पे ग्रो हो जाऊंगा या फिर यूट्यूब पे आगे काम करूंगा अच्छे से। बट जब मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए थे तब थोड़ा बहुत अच्छा रिएक्शन था, मेरे के अंदर भी एक डिटर्मिनेशन आ गई थी कि हाँ भाई इतना हो गया अब आगे और करना है अच्छे से करना है, तो ये चीज़ थी। और अब क्या रिएक्शन है, अब थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं स्पॉन्सरशिप से तो मतलब थोड़ा बहुत अच्छा रिएक्शन है और आप लोग का प्यारा सपोर्ट रहेगा तो बहुत ही सही रहेगा सब चीज़ें। तो यार आप लोग ऐसे सपोर्ट बना देना और यार वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो यार फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है टेक्निकल इहान ने, MTT व्लॉग्स के ऊपर कोई भी वीडियो क्यों नहीं आ रही है और गेमिंग चैनल का क्या इरादा है। तो देखो भाई MTT व्लॉग्स पे इसलिए कोई वीडियो नहीं आ रही क्योंकि बीच में ये थोड़ी सी तबीयत खराब थी, ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं कहीं बाहर तो वैसे भी बहुत कम जाता हूं, तो क्या ही व्लॉग बनाऊंगा मैं। मैंने सोचा था कि हाँ भाई कुछ करेंगे नेक्स्ट लेवल चीज़ करेंगे, बट कुछ नहीं हो पाया अभी तक व्लॉग चैनल पर, बट हाँ आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स उस पर मिलेंगे। जिसे नहीं पता है मेरा एक दूसरा चैनल भी है MTT व्लॉग्स नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अब यार नेक्स्ट चीज़ है कि गेमिंग चैनल का क्या इरादा, तो अभी कोई भी इरादा नहीं है, इसी चैनल पे मेन फोकस है मेरा, इस चैनल को और आगे लेके जाना है, फिर हम गेमिंग चैनल और व्लॉग चैनल का मतलब थोड़ा सोचेंगे, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा है, पंडित टेक्नोलॉजी ने मुझसे पूछा है अभी कि भाई लाइव क्यों नहीं करते और लाइव कब करोगे, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। तो भाई देखो लाइव मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी लाइव स्ट्रीम डिसेबल हो गई थी सितंबर 2020 के अंदर और यार उसमें ये कुछ लिख के आता ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइन और कॉपीराइट इशूज यू कांट लाइव स्ट्रीम एट दिस टाइम, ये चीज़ लिख के आती है। और भाई फिर मैंने इसका बहुत ज़्यादा लोगों से बात किया, मैंने सोचा था कि यार मेरा मतलब हो जाएगा जल्दी, बट यार अभी नहीं हुआ है। और एक बात है कि जब जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके 3 से 4 दिन के बाद ये आ जाएगा क्योंकि चैट सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यही चीज़ थी, बट अभी यार नहीं हो पाया इनेबल। तो जैसे ही इनेबल होता है मैं पक्का लाइव स्ट्रीम करूँगा, आपको अनाउंसमेंट भी दूंगा, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहूँगा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर से फॉलो कर लेना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए थे तो मैंने कुछ ही मज़ेदार और बढ़िया वाले क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया, आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और जिन लोग का क्वेश्चन मैं पिक नहीं कर पाया हूँ तो यार वो सभी लोग सुन लोगे, जिनने जहाँ भी क्वेश्चन किया था इंस्टाग्राम की स्टोरी पर या फिर कम्युनिटी टैब के अंदर, मैं वहीं पर उनको रिप्लाई कर दूंगा जिन जिनका क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया हूँ। तो यार नेक्स्ट Q&A में मिलते हैं एंड फर्स्ट Q&A ज़रूर से देख लेना और आपको वीडियो कैसे लगी मुझे बताना। और हाँ यार सजेशन हाँ भाई रुको, सजेशन जो मुझे लेनी थी वो ये है कि यार अब मेरा स्कूल खुलने वाला है, आप लोग में से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर से बताना कि भाई आप लोग के स्कूल खुल गए हैं या नहीं खुले हैं, और अगर खुल गए हैं तो आप कितने बजे फ्री रहते हो, जो लोग स्कूल जा रहे हैं वो कितने बजे फ्री रहते हैं, और अगर मैं 6:30 बजे वीडियो डालूंगा तो क्या सही रहेगा आप लोग के हिसाब से, तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर से बता के जाना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मैं तो इस नेक्स्ट वीडियो में यार वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर से फॉलो कर लेना, और 1K फॉलोअर्स के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू इंस्टाग्राम पर, और अभी और भी आगे जाना है। तो यार बस इतना ही, बाय एंड टेक केयर।